नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हैं बेहद ही नए रोचक विषय के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं जो वास्तु से संबंधित हैं और आपके जीवन पे बहुत ही उनका अधिक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए समय से लाते रहेंगे। वास्तु का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर घर का वास्तु के अनुसार बनाया जाता है तो इससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याएं कम हो जाती हैं, उसके आसपास हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश वास्तु के अनुसार घर नहीं बनवा पाते तो घर में छोटे मोटे बदलाव मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। इसके अलावा आपको हर कदम पर सफलता भी मिलती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर में कौन कौन से ऐसे बदलाव करें ताकि आपके जीवन से परेशानियां समाप्त हो सकें। दोस्तों, उनमें सबसे पहला है कि सफाई का ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में साफ सफाई रखना बेहद जरूरी होता है। अगर घर में कहीं पर भी धूल और जाले बने हैं तो उन्हें तुरंत बिना देर किए साफ कर दें, क्योंकि जाले घर में बनना घर की सफलता या उन्नति में रुकावट मानी जाती है। दोस्तों, ऐसे कई घर हैं जहाँ पूजा घर भूल से किसी गलत दिशा में बन जाता है, परंतु हर घर में पूजा घर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर या फिर घर के मंदिर उत्तर पूर्व की दिशा में ही बननी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सीढ़ी और बाथरूम के नीचे घर में भगवान का मंदिर भूल से भी न बनवाएं। घर में सकारात्मकता बनी रहे इसके लिए रोजाना घर में कपूर जलाएं। कपूर से सकारात्मक वातावरण होता है। अगर आपके घर में भी रोजाना कलेश, लड़ाई, झगड़े होते हैं तो रोज पान के पत्ते पर कपूर जला कर रख दें, इससे घर का माहौल शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, अगला है कि आपको भूल से भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं उनसे उनके हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दक्षिण दिशा में पैर करके सोना भी बेहद ही अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य कर दें, और अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके लिए समय से लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।